प्रोटीन क्या है? What is protein? प्रोटीन शरीर का एक प्रमुख और आवश्यक पोषक तत्व है जो कोशिकाओं के निर्माण, उनकी मरम्मत और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बड़े जैविक अणुओं मैक्रोमोलिक्यूल्स का समूह है जो अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाओं से बना होता है। कुल मिलाकर 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता और इन्हें हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर की इमारत की ईंटें भी कहा जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों, अंगों, त्वचा, बालों और यहाँ तक कि हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा यह एंजाइम, हार्मोन और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक, संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। ये वे प्रोटीन हैं जो सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड को सही अनुपात में प्रदान करते हैं। यह आमतौर पर पशु आधारित स्रोतों में पाया जाता है, जैसे मांस, अंडे, मछली, दूध और डेयरी उत्पाद, सोया प्लांट बेस्ड कंप्लीट प्रोटीन। दो, अपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में कुछ आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। यह आमतौर पर पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे दालें, पल्सेस, अनाज, ग्रेन्स, बीज और नट्स, सीड्स एंड नट्स। हालांकि अपूर्ण प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों को संयोजन करके, जैसे कि चावल और दाल, आवश्यक अमीनो एसिड की पूर्ति की जा सकती है। प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। एक, शरीर निर्माण और मरम्मत, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। प्रोटीन मांसपेशियों और कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है। चोट लगने या बीमारी के बाद प्रोटीन शरीर को जल्दी ठीक करने में सहायक होता है। दो, एंजाइम का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करते हैं, जैसे कि भोजन का पाचन। तीन, हार्मोन का निर्माण, हार्मोन प्रोडक्शन। प्रोटीन हार्मोन के उत्पादन में भी सहायक होता है जो शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। चार, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं मिलती तो प्रोटीन ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। पाँच, इम्यून सिस्टम का समर्थन, सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है, जो हमें बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छह, संरचना और लचीलापन, स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोटीन जैसे कोलेजन और केराटिन शरीर की त्वचा, बालों और नाखूनों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एक, पशु स्रोत, एनिमल सोर्सेज। मांस, मीट, चिकन, मटन, बीफ और पोर्क में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। मछली, फिश। मछली प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी अच्छा स्रोत है। अंडे, एग्स। अंडे को प्रोटीन का एक संपूर्ण स्रोत माना जाता है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर और चीज जैसे उत्पादों में प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दो, पौधे स्रोत, प्लांट सोर्सेज। दाली और बीन्स, पल्सेस एंड बीन्स। मूंग, मसूर, राजमा, चना, सोयाबीन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। नट्स और बीज, नट्स एंड सीड्स। बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज आदि भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हैं। सोया, सोय। सोया प्रोटीन का एक उत्कृष्ट पौधा आधारित स्रोत है जो संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। अनाज, ग्रेन्स, क्विनोआ, ओट्स, ब्राउन राइस आदि में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। टेम्पे और टोफू, टेम्पे एंड टोफू, ये सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थ होते हैं और अच्छे प्रोटीन स्रोत माने जाते हैं। तीन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। कई लोग, विशेषकर एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स, प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं, जैसे वे प्रोटीन दूध से बनने वाला प्रोटीन जो आसानी से पचता है। केसिन प्रोटीन, ये भी दूध से प्राप्त होता है, लेकिन ये धीरे धीरे पचता है। सोया प्रोटीन, सोय प्रोटीन, सोयाबीन से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जो पौधों पर आधारित होता है। कितनी मात्रा में प्रोटीन आवश्यक है?
हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, व्यक्ति को कितनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत है, ये उसकी उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के आधार पर निर्भर करता है। सामान्यतः औसत वयस्क को प्रतिदिन अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एथलीट्स और भारी शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी सामान्य से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, 1 मांसपेशियों की कमजोरी और वेट लॉस, 2 बालों का गिरना और त्वचा की समस्याएं, 3 इम्यून सिस्टम कमजोर होना, 4 थकान और चिड़चिड़ापन। प्रोटीन का अत्यधिक सेवन और इसके नुकसान, एक्सेस प्रोटीन इंटेक एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। बहुत अधिक प्रोटीन खाने से किडनी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से निकालने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। हड्डियों से कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के दौरान शरीर में एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे कैल्शियम का नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रोटीन शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो हमें स्वस्थ, ताकतवर और सक्रिय रहने में मदद करता है। ये हमारी मांसपेशियों, कोशिकाओं, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण और मरम्मत में आवश्यक होता है। इसके विभिन्न स्रोत और प्रकार हैं, और एक संतुलित आहार में प्रोटीन की सही मात्रा को शामिल करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।